नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। किसान आंदोलन खत्म करने की खबर पर बोले राकेश टिकैत, कहा ये सिर्फ अफवाह, जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक जारी रहेगा आंदोलन। शीतकालीन सत्र में आज ही लाया जाएगा क्रिप्टो करेंसी पर बिल, मनसुख मांडविया लाएंगे बिल, आज ही करवाया जाएगा ये बिल पास। आज से 3 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंची ममता बनर्जी, सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करेंगी, सीएम उद्धव ठाकरे से कर सकती है मुलाकात। आर हरि कुमार बने नए नौसेना प्रमुख, कहा मैरीटाइम सुरक्षा को बढ़ाना ही लक्ष्य, भारतीय नौसेना को बनाना है और सक्षम। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सभी देश हुए सतर्क, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, रूस समेत कई देशों ने ट्रैवल पर लगाया बैन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, कहा कंपनियों के लिए 100% बायो एथेनॉल पर चलना होगा जरूरी, जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन से भी चलेगी कार। भारत की सुरक्षा में हुआ इजाफा, इसराइल से मिले हेरॉन ड्रोन, लद्दाख सेक्टर में होगी तैनाती, दुश्मन की हर हरकत पर रखी जा सकेगी पैनी नजर। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अंतिम फैसला, 18 जनवरी को हो सकता है सजा का ऐलान। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने की कानपुर के स्पोर्टिंग पिच की तारीफ, ग्राउंड स्टाफ को इनाम के तौर पर दिए 35,000 रुपए। और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मिली जान से मारने की धमकी, कंगना ने दर्ज करवाई FIR।